हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है लोकेश गेमर और ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो इन दोनों के बीच जो बेसिस को लेके कंपटीशन चल रहा था उसमें कल लोकेश गेमर ने ज्ञान गेमिंग को बीट कर दिया था। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि लोकेश गेमर ने ज्ञान गेमिंग को बीट करने के बाद क्या कहा था। रीजन में गाइस हम लोग 16,500 बैचेस से सबसे ऊपर टॉप वन पे, 16,500 बैचेस यार, टॉप वन की फीलिंग एक अलग ही रहती है, मजा आ जाता है गाइस। टॉप वन पे जाके मजा आ जाता है भाई, लिटरली गाइस टॉप वन पे जाके एकदम 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 मजा आ जाता है। 16,000 बैचेस के साथ गाइस अभी हम लोग है टॉप वन पे, एंड ज्ञान को मैंने फिर से पीछे छोड़ दिया। मतलब जितने बार ज्ञान मेरे से आगे आएगा हर बार मैं पीछे छोड़ूंगा, और आखिरी में सीजन में पता ही है गाइस सीधा हम लोग 30-40,000 ले लेंगे, फिर कोई आएगा ही नहीं सामने अपने। तो इसी चीज को जब ज्ञान गेमिंग ने देखा तो वो इसके ऊपर हंसने लग गए, क्योंकि लोकेश गेमर ने ज्ञान गेमिंग से बस 1000 बेजेस ज्यादा लिया था। तो उसके बाद ज्ञान गेमिंग ने अपने लाइव स्ट्रीम पे ही लोकेश गेमर को कॉल किया, और फिर ज्ञान गेमिंग ने और 5000 बेजेस खरीद के लोकेश गेमर को 20,000 बेजेस के साथ बीट किया। और इसी के साथ ही ज्ञान गेमिंग ने लोकेश गेमर को चैलेंज किया, तो उनके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। मारो लोकेश को, मारो गाइस, जाके लोकेश को मारो, मैं फोन करके बताऊं। रुको रुको गाइस यार, रुको गाइस, लोकेश को फोन कर रहा हूं मैं साला, रुको गाइस। हेलो हेलो लोकेश, हेलो लोकेश कहाँ है, लोकेश कहाँ है? अबे सुन, अबे साले 16,000 बेजेस क्यों लिया? अरे यार कहाँ गुड्डा बनेगा, कुछ ज्यादा ले भाई, कुछ ज्यादा ले, 18,000 कर ले भाई, तेरे को ब्रेक कर दूं मैं अभी तो कुछ ज्यादा ले भाई, कहाँ गुड्डा बनेगा तू मैं तो नहीं, लाइव स्टूडियो में सब सब देख के चौंक जाएगा। इस बार लोकेश हारने वाला है, मैं दुख जाए लाइव भी बोल रहा हूँ गाइस, इस बार लोकेश हारने वाला है, पूछ लो लोकेश से, बता लोकेश चल ब्रो, लव यू ब्रो, चलो चल भाई, चलो ठीक है ठीक है। 16,000 बजे क्या कर, इसलिए फोन कर दिया मेरे डायरेक्ट भाई, कुछ ज्यादा ले यार, जिससे मैं कुछ करूं भाई। 16,000 का पता देखो, 15 बजे अगर मैं 16,000 बजे अभी लूंगा तो कितना टाइम लगेगी ये देखो, मैं नहीं लूंगा नहीं, मैं अभी उसको और बजे ले लूंगा, ओके तब मजा आएगा ना गैस, कितना बजे ले रहा है मेरा कितना होगा ओके, वो उस पर डिपेंड पड़ता है। तो 16,000 में अगर इतना कलर कर लूंगा देखो, तो उसके लोकेश बहुत आगे चल जाऊंगा देखो, मगर अच्छा नहीं लगेगा इस लोकेश, कुछ और तरह बैठ जी लेने दो गैस, और मैं जो लूंगा इससे सरप्राइज बैचेस होगा ओके। और इसी के साथ ही ज्ञान गेमिंग एक बर्गर चैलेंज करने वाले हैं, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। तो गाइस जो भी देख रहे हो गाइस, यहाँ पे चल रहा है एक वीडियो बनाने की प्लान केएफसी की तरफ से, ओके गाइस आप देखते हैं, और कैसे यहाँ पे गाइस देख रहे हो केएफसी केएफसी केएफसी, ओके गाइस। तो गाइस चैलेंज होगा तीनों के बीच, सागर, गुल्लू और संजू के बीच, ओके गाइस। तो वीडियो गाइस देखते कब तक आते, आप लोग बताओ कब तक आएगा, एक दिन, दो दिन या तीन दिन, गाइस बताओ कब आने वाला वीडियो, ओके। आज क्या तारीख है, जल्दी बता, 15 तारीख है, ओके, क्या 18 के अंदर आने वाला वीडियो, तो गाइस शेयर करो हर जगह, क्योंकि कब आएगा वीडियो, और कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसको मिलेगा 10,000 डायमंड, देखते हैं गाइस। हमारा अगला न्यूज है स्काई लॉर्ड के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि स्काई लॉर्ड एक्सट्रीजी स्पोर्ट छोड़ दिया था, और इसके साथ ही स्काई लॉर्ड ने ये कहा था कि वो नया ऑर्ग ज्वाइन करेंगे, तो अभी उन्होंने उसी ऑर्ग को ज्वाइन कर लिया है और उसका नाम है ग्लोबल स्पोर्ट। अगला न्यूज है रोकियन आरडीएक्स के बारे में। तो कुछ दिन पहले जो एस गेमिंग के दोस्त कुंदन गेमिंग का चैनल हैक हो गया था, वो अभी तक उनको वापस नहीं मिला। तो इसी के बारे में बात करते हुए रोकी भाई ने कहा कि उनके तरफ से अगर कुंदन गेमिंग को कोई भी मदद चाहिए होगा तब वो जरूर करेंगे। तो इसके ऊपर रोकी भाई ने क्या कहा था देख लीजिए। जी गाइज, मैंने एक भाई की काफी बुरी खबर सुनी, उनका नाम कुंदन गेमिंग है, नॉर्मली साहिल यानी एएस गेमिंग के साथ उनका जो है टूर्नामेंट खेलना होता है। तो कुंदन भाई का जो है यूट्यूब अकाउंट हैक हो चुका है, मैंने सुना, काफी दुख हुआ मुझे जान के। कुंदन भाई अगर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो और हम काम आ सके तो बेझिझक हमें कह दीजिएगा, बिल्कुल।
बात करते हैं बॉस ऑफिशियल के बारे में। तो यूट्यूब की तरफ से बॉस ऑफिशियल को गाइडलाइन स्ट्राइक दिया गया है और इसमें बॉस ऑफिशियल ने ये कहा कि उनको बिना रीजन के ये स्ट्राइक दिया गया है। तो इसी के ऊपर बॉस ऑफिशियल ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया और इसके वजह से उनके वीडियोस का रीच भी कम कर दिया। तो अभी देखते हैं कि कब तक उनका ये स्ट्राइक हटता है। अगला न्यूज है गलगोट गन के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि इस लड़की को उनके घर वाले जबरदस्ती शादी करवाने वाले थे क्योंकि उनके यहाँ ये नियम था कि उनके नाना जी ही उनके पोती का कन्यादान करते हैं। पर ये लड़की शादी करना नहीं चाहती थी इसलिए घर से भाग गई। पर उनके घर से भागने के बाद उनके नाना जी का देहांत हो गया और अभी उनके घर वाले इसका जिम्मेदार भी उनको ही ठहरा रहे हैं और उनके रिलेटिव्स और उनके कजिन लोगों से भी उनको काफी गालियां सुनने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने चैनल पे ये कम्युनिटी पोस्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो अभी ठीक है। पर अभी देखते हैं कि उनका ये पूरा मामला कब तक ठीक होता है। और टेक्निकल सागर ने जो फ्री फायर बेकार है टाइटल देके एक वीडियो अपलोड किया था तो उस वीडियो में उनको फ्री फायर के ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिला था। पर उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए एक और वीडियो अपलोड किया तो उनके इस वीडियो के ऊपर फेम क्लेशर ने उनको रिप्लाई दिया और फेम क्लेशर ने ये कहा कि टेक्निकल सागर ने अपने वीडियो में फ्री फायर के बारे में जो गलत बोला था उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगा। और फेम क्लेशर ने ये कहा कि वो जो अपने ओपिनियन के बारे में बात कर रहे थे तो किसी चीज के ऊपर ओपिनियन तब दिया जाता है जब आपके पास उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। पर टेक्निकल सागर ने बिना जानकारी के ही फ्री फायर के बारे में काफी कुछ गलत बोल दिया। तो इन सब के बारे में ही बात करते हुए फेम क्लेशर ने उनको रिप्लाई दिया। तो आपको अगर उनके ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और टेक्निकल सागर के इसी वीडियो में भी उनको 25,000 से भी ज्यादा डिसलाइक मिला है तो अभी भी लोग उनके ऊपर गुस्सा है और इसी के वजह से ही उनके इस वीडियो में उनको इतना ज्यादा डिसलाइक मिला। अगला न्यूज है नूब गेमर बीबीएफ के बारे में। तो उन्होंने लोकेश गेमर के बारे में बात करते हुए ये कहा तो लोग जो लोकेश गेमर के गेम प्ले के वजह से उनको ट्रोल करते हैं तो वो सब उनके पुराने गेम प्ले है तो लोग उनके पुराने गेम प्ले को दिखा के ही उनको ट्रोल करते हैं। तो इसके ऊपर बीबीएफ ने ये कहा कि अभी लोकेश गेमर का गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसके ऊपर बीबीएफ ने और क्या कहा देख लीजिए। स्टोरी शेयर करता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि लाइक रिएक्टिंग ऑन लोकेश गेमर्स फनी गेम प्ले, ठीक है, पुरानी वीडियो। तो वो जो है ना, वो लोग तुम लोगों ने वीडियो सेंड किया था मेरे को, तो मैंने वो डिस्कॉर्ड से देखा। देखने के बाद गेम प्ले बहुत ही एकदम वो था, ठीक है, नूब जैसा था। तो मैंने वो वीडियो लाइक देख के अपलोड किया। करने के बाद लोकेश ने मेरे को मैसेज किया, मैंने बोला तब इंस्टाग्राम पे कि ये उनका बहुत पुराना गेम प्ले। आई वॉज लाइक वे सीरियसली ओके, मुझे लगा कि चलो ये शायद झूठ बोल रहे, ठीक है। बट अभी जब खेला अभी ये लगा कि हाँ भाई वो पुराना ही है, लाइक 8-9 महीने पुरानी गेम प्ले थी एंड अच्छा लगा खेल के। लोकेश से हार गए, भाई देखो ऐसा नहीं है कि वो खेलता नहीं है ना, ही इज गुड प्लेयर ब्रो, जब तुम खेलोगे समझोगे, ठीक है। मैंने भी भाई दूर से जज करना बहुत ही आसान है, बट खेलोगे ना तब पता चलेगा, ही इज अ गुड प्लेयर ब्रो। और गैस हमारे सेकंड चैनल एरजी ब्लॉग में एक कॉमेडी वीडियो आया है तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो जसवंत गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 200 के सब्सक्राइबर, पहाड़ी गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर और अंकुश फ्री फायर ने कंप्लीट कर लिया है 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गैस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।